लापता युवक का चौथे दिन गंडक नदी से किया शव बरामद। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय में चार दिनों से लापता युवक का चौथे दिन गंडक नदी के पानी में तैरते हुए ग्रामीणों ने किया शव बरामद। लापता युवक के शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पहचान होते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया और सभी छाती पीट पीट रोने को बेबस नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मौत के बाद शव मिलने की सूचना मिलते ही वीरपुर थाने की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। यह घटना वीरपुर थाना इलाके अंतर्गत परबंदा गांव स्थित गंडक की है। लगभग 40 वर्षीय मृतक दिलीप कुमार वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 12 परबंदा गांव के रहने वाले स्वर्गीय हरिनंदन महतो के पुत्र थे। परिजनों ने बताया है कि 25 तारीख की रात वह अपनी पुत्री को मजदूरी में मिले रुपयों में से कुछ पैसे अपनी पुत्री को देते हुए घर से निकल गया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं। हैरानी जताते हुए उन्होंने बताया कि नदी के जिस स्थान पर पुलिस की मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में काफी मशक्कत की, झग्गर तक गिराया, फिर भी शव बरामद नहीं हुआ। और जब परिजनों द्वारा स्क्वाड डॉग बुलाने की मांग की गई ताकि उसे ढूंढने में मदद मिले, तो इस बात की भनक लगते ही अपराधियों ने उसकी हत्या कर नदी में लाश फेंक दी। और इस मांग के अगले ही चौथे दिन पानी में तैरते शव को ग्रामीणों ने बरामद किया। घर वालों ने आशंका जताते हुए बताया कि बदमाशों संभवत उसकी गर्दन तोड़कर हत्या कर दिया और शव को नदी में फेंक दिया। फिलहाल वीरपुर थाने की पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दी ताकि उसकी दाह संस्कार किया जा सके, और पुलिस भिन्न भिन्न बिंदुओं पर गौर करते हुए पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल मौत के असली कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराधियों ने किस रंजिश में मजदूर की हत्या की है या फिर मौत के असली कारण क्या है। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। 25 तारीख की रात में इसको लापता हुआ है। 25 तारीख की रात में किस हालात में लापता हुए और कहाँ जाने के नाम पर निकले थे? वो कहाँ जाने के नाम पर नहीं, वो कहीं कोई दोस्त दास्त बुलाया है इसको, और उस समय से आउटे रहा है, आए नहीं। अच्छा। और कल जब कुत्ता वगैरह ये नदी को छाना गया, नदी को छानने में कुछ नहीं मिला, तब ये हुआ कि पुलिस वाले से जो कुत्ता रहा, तब रात में इसको मार करके नदी में डाला। वो क्या बोलते हैं जो ढूंढता है पानी में, गोताखोर? गोताखोर नहीं, वो तैराक? तैराक हाँ, नहीं, एनडीआरएफ वाला। अच्छा। वो आकर के पूरे नदी को छाना है, छानने के बाद कुछ नहीं मिला, झग्गर भी गिराया, झग्गर में भी नहीं आया। और सुबह में मैंने 10-11 बजे बच्चों देखा कि कुछ तैर रहा है, तब जा करके इसका मुंडी दिखाई दे रहा था। तो सीधा सीधी क्या आपका कहना है? ये इसको तो मार करके डाला हुआ 100%। किसी से कोई विवाद था क्या? नहीं, विवाद तो नहीं था कोई, हमारे ग्रामीण में कोई विवाद नहीं, ग्रामीण में कोई किसी से विवाद नहीं। क्या करते थे ये? यही खेती बाड़ी करता, मजदूरी। कहाँ की घटना है ये? ये परबंदा पिपरा दोदराज, दोदराज पिपरा दोदराज टोला परबंदा। सब कहाँ मिला है? सब मिला वहीं पर, स्कूल है उसके पीछे में, एक 12 वार्ड का नदी है। कौन सा नदी है, नदी का क्या नाम है? नहीं, नदी बलान है, ज्वार बलान नदी है, वही खड्डा है बहुत बड़ा। हाँ, बलान है वो, बलान नदी का। हाँ, बलान नदी पानी निकला है वो। तो उस जगह को क्या, उस जगह को क्या कहते हैं जिस जगह से सब बरामद हुआ है, उस जगह को क्या कहते हैं? ये परबंदा पिपरा दोदराज जो प्राथमिक स्कूल है, विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, उसके पीछे जस्ट पीछे हुआ। कल इसी नदी में खोजा गया था? हाँ, कल इसी नदी में खोजा गया, नहीं कल इसी नदी में एनडीआरएफ टीम लगभग 5-6 घंटा उस नदी में ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। अच्छा, कब से ये गायब थे, कितना दिन बाद मिला है? 25 तारीख की 8 बजे रात तक ये घर पे या बातचीत में था, 8 बजे रात के बाद इसका स्विच वगैरह ऑफ हो गया, उसके बाद ढूंढना ढांढना उसी समय से चलता रहा, दिन में आ करके ज़्यादा। तो चर्चा में ये भी आ रहा है कि पैसा और मोबाइल घर पर भेजवाए हैं? वो तो कल हो गए। नहीं नहीं नहीं, उसी दिन रात में मैंने वो मंदिर
स्कूल पर सरस्वती पूजा हो रहा था। अच्छा। सरस्वती पूजा में ये मजदूर क्लास का था ही, बोला 100 रुपया देंगे थोड़ा सफाई कर दो, तो सफाई किया वहीं पर 100 रुपया दिया, 25 रुपया बेटी आई हुई है उसको दिया 50 रुपया वो अपने पास में लेके, उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद घर पर नहीं आए। क्या नाम है इनका? दिलीप कुमार। कितना उम्र होगा लगभग? लगभग 35 से 40 साल। और इनके पिता का नाम? इनके पिता स्वर्गीय हरिनंदन महतो। घर कहाँ हुआ? परबंदा। गांव का वार्ड संख्या कितना है? 12 है। थाना कौन पड़ता है? थाना बीट। तो जब सब मिला उसके बाद आप लोग क्या किए हैं? हम लोग क्या किए, थाना तो था ही ऑलरेडी, कल से ही है थाना, कल से ही वो NDRF की टीम के साथ वो उन्होंने ही कराया ये सब, उनके थ्रू या जिनके थ्रू हो वो सब कराए हैं, और करा करके वो लोग चले गए। फिर वही हुआ कि कुत्ता मंगाया जाएगा, इसको ढूंढा जाएगा। तो बदमाश हत्या किस आरोप, मतलब किस तरह से किया है, कुछ पता चला इसका आरोप? अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस आधार पर किया है, लेकिन ये इसको शरीर को देखते हुए लगता है कि रात में ये गला वगैरह मचोर करके नहीं गया है, घुमा करके तोड़ करके, हाँ वैसे लग रहा है। अभी अंदरूनी जो हो क्या, आपके कौन है? हमारे भतीजा। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार महतो।